मणिपुर में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में अब तक चार आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपराधियों को मृत्युदंड दिलवाने का आश्वासन दिया है। जिले के नोंगपोक सेकमई थाना अंतर्गत अपहरण और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराध मामले में पुलिस ने तीन और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब तक कुल चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और राज्य की पुलिस जो है वो अन्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, छापेमारी की जा रही है। और इस बीच मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुलिस महानिदेशक को बुलाकर घटना की जानकारी ली और ये कहा कि ये सभ्य समाज पर एक कलंक है। राज्यपाल ने पुलिस विभाग से अपराधियों को पकड़ने, कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। मैं मणिपुर की एज ए गवर्नर होने के नाते आज मेरे प्रदेश में इस तरह की घटना होना, ये मेरे मणिपुर प्रदेशवासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब ऐसी घटना, उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। कोई भी हो, किसी भी तरह की हमारी जो बहनें हैं और इस तरह से जिन व्यक्तियों ने किया है, ये बहुत ही हैवानियत कहना चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर तो जितनी से कड़ी सजा होनी चाहिए उनको देना चाहिए।